वार्ड नंबर 6 सोलागिटी तालाब के समक्ष हुआ धरना एवं विरोध प्रदर्शन। चास नगर निगम के वार्ड नंबर 6 सोलागिरी तालाब के समक्ष समाज सेवी हराधन चरियात के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर मुस्लिम अंसारी संजय रजक समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं समाज सेवी हराधन चरियात ने कहा कि नाला का पानी तालाब में जा रहा है, जिसके कारण पूरा तालाब दूषित हो रहा है और तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो कहीं से भी जायज नहीं लगता है। हमारी मांगे हैं कि पहले दो बड़ा नाला है जिसका गंदा पानी तालाब में जा रहा है, उसे बंद किया जाए, उसके बाद सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए, नहीं तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। हम लोग का सबसे बड़ी बात है कि नाली का निर्माण नहीं हुआ है। ये नाली से दो दो नाली का पानी अभी इस तालाब में जा रहा है और कोई काम नहीं किया है। मिट्टी उठा के और यहाँ से आपको देखिए मिट्टी का ढींग लगा दिया है और नाली का पहले काम करे, उसके बाद यहाँ कोई योजना का काम करे। किस चीज़ को लेकर आप लोग क्या तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं चाह रहे हैं क्या? बहुत हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सहयोग भी कर रहे हैं सौंदर्यीकरण के लिए, यही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम नहीं है। नाली का पानी तो जा ही रहा है तो सौंदर्यीकरण हो कहाँ रहा है? ये तो विनाश कर रहा है, तो अच्छा काम हो ही नहीं रहा। पानी का नाली का पानी तो घुस ही रहा है, पहले नाली का काम होगा उसके बाद कोई भी योजना का काम होगा। अभी तो फिलहाल काम बंद है। हम लोग तो आवेदन कर दिए हैं, हम लोग तो इसलिए धरना बैठे हैं, हम लोग को तो जानकारी भी नहीं काम बंद है। कल तो नगर आयुक्त भी आए थे जांच करने के लिए, कोई जानकारी नहीं। हम लोग कल ही दिए हैं आवेदन, सब जगह आवेदन दिए हैं, उसके बाद हम लोग आज धरना में बैठे हैं। क्या पूरा नहीं किया जा रहा? तो नहीं, हम लोग का कोई अभी मांग कोई पूरा नहीं, आज से हम लोग धरना बैठे और ये धरना हम लोग अभी बैठे रहेंगे। नहीं मांगे पूरी जब तक होगी? हाँ, इस दिन कार्य के लिए। क्या नाम हो? हराधन जरिया।